दोस्तों, जेके न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। और इस कोरोना पीरियड में जेके न्यूज़ नेटवर्क आपको एक कहानी सुनाता है। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और इस कहानी का सार यह है कि किसी से भी मत डरो, ईश्वर पर विश्वास रखो। कैसे? प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते, 10-20 दिन सब वहीं रहते और फिर लौट आते। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले को दादी के घर जाने दें। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दी। जाने का दिन आया, बालक को छोड़ने लोग स्टेशन पर गए, ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की, उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई। बालक ने कहा, मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला, भीषण लगी। तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बालक ने पत्र जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही, हर स्टेशन पर लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे, सबके साथ कोई ना कोई था। अब बालक को अकेलापन लगा। ट्रेन में अगले स्टेशन पर ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा भयानक था। पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया, रुहामसा हो गया। तब उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, लिफाफा खोला, पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डर मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा, सब डर काफूर हो गया। मित्रों, जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण रखते रहो, सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊँगा। मित्रों, इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। महाप्रभु जी ने लिखा है, चिंता कोपी ना कार्या। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर हर क्षण विश्वास रखें। वह हमेशा हमारे साथ है, हमारी पूरी यात्रा के दौरान, अंतिम श्वास तक। ये थी जेके न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल पेशकश। धन्यवाद।